स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद। पहले कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। किशन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। आदाब। नमस्कार जी। जी आदाब किशन जी, बताइए क्या सेवा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कृपा हो रही है, आपकी कृपा हो रही है। अच्छा, हम बात करना चाहते थे, 5 हफ्ता पर अपने लगे रहे, अपने आपके साथ मिला नहीं नंबर। बताइए। अच्छा, हमको टांगों में, बाजुओं में खारिश है, एलर्जी की, दर्द है, एलर्जी है, एलर्जी है, एलर्जी। खुजली होती है। हाँ जी, हाँ जी, आपने बोला था अस्सी भूनकर बीच मीठा सोडा डाल लेना वो खाना में, एक बार फिर बोल दो। जी हाँ, ये जो खाने का सोडा है ना, जो किचन में यूज़ होता है, दो ही सोडे होते हैं, एक कपड़े धोने का, एक खाने का वाला, तो ये मीठा सोडा भी कहते हैं इसे। और इसको एक चुटकी या तो खाने में मिला लिया करें अपने दिन में एक बार, या पानी में मिलाकर पी लिया करें। आप हफ्ता दो हफ्ता ये अमल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं ग्रेटर नोएडा से, मंजू हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। हाँ, एक्चुअली मुझे डॉक्टर साहब से पूछे, मेरी ना बॉडी में बहुत पेन रहता है, खासकर कमर के निचले भाग से लेके पूरी टांग में नीचे तक जाता है, पैर तक ना। और मेरी उम्र है 64 और मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम है, 10 साल हो गए हैं टेबलेट खा रही हूँ। जी। और उसके बीच में मुझे अभी ना कुछ 3 साल पहले कुछ स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी, तो आर्टिकेरिया डॉक्टर ने डायग्नोज किया था। उसके लिए भी कुछ कुछ टेबलेट्स खा रही हूँ, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी कुछ कुछ किया कुछ। अभी थोड़ा ईटिंग में फर्क है, लेकिन वो सब प्रॉब्लम है। लेकिन पता नहीं, मतलब बॉडी एक जो है उन दवाइयों के कारण है या एज के कारण है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अब लगा कि हकीम जी से कुछ पूछ के अब मैं आयुर्वेदिक वाला कुछ करना चाहती हूँ। जी। ठीक है मंजू जी, आपके सारे रोग ठीक होना मुमकिन है, ये खुशखबरी है। लेकिन उसके लिए आपको मेरी बात गौर से सुननी होगी और लिखनी भी होगी। देखिए, ईचिंग है तो एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिला के रोज़ पी लिया करें। 1 गिलास पानी मिलाएं, लेकिन 2 गिलास पानी पिएं, ठीक है। ईचिंग है, दोबारा से कहता हूँ, तो एक चुटकी खाने का सोडा 1 गिलास पानी मिला के पी लिया करें, और पानी 2 गिलास पिया करें। इससे आपकी ईचिंग ठीक होना मुमकिन है। अब रही बात कमर और टांग में दर्द या बॉडी के किसी भी हिस्से में दर्द हो, तो देखिए आसान नुस्खा है, आप समझ लें। एक आता है गौंद स्याह, काला गौंद कहते हैं इसे। ये गौंद स्याह देखने में ब्राउन, और इसको कहते काला गौंद या गौंद स्याह है। ये 100-200 ग्राम बस खरीद लें, और मिलना चाहिए असली गौंद स्याह, असली, आधा ग्राम सुबह खाना है, आधा ग्राम शाम। ये ख़त्म नहीं हो पाएगा कि आपकी तकलीफ़ का ठीक होना मुमकिन है। वज़न ना उठाया करें, और वेस्टर्न, ये कुर्सी वाला बाथरूम ज़रूर आपके पास होगा, जिस अंदाज़ में आपने बात की तो आपके घर में ये ज़रूर होगा, तो उसी का सेवन करें, नहीं हो तो लगवा लें। अच्छा, फिर दूसरी बीमारी पर आता हूँ। अब है आपको 10 साल से थायराइड, थायराइड का भी इलाज मुमकिन है, लेकिन उसके लिए 10 महीने चाहिए। अगर आपके पास हैं तो धनिया 300 ग्राम, धनिया साबुत धनिया 300 ग्राम, आंवला सूखा हुआ 100 ग्राम, और मेथी 100 ग्राम, और गौन मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला, लाल वाला नहीं, लाल नकली होता है। गौन मोरिंगा सफ़ेद लें और पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, पानी से खाएं, छोटा चाय का चम्मच, दिन में 5 बार गर्म पानी पिएं। और वो गोली भी खाएं जो डॉक्टर ने दी हुई है, वो गोली कम होती जाएगी। हर महीने आपका थायराइड इतना कम होगा कि आपके डॉक्टर को मजबूरन गोली कम करनी पड़ेगी उसकी पोटेंसी, और 10 महीने इंतज़ार करें, गोली कम होते होते छूट जाएगी इन 10 महीनों में,
और आपको सेहतमंद होना मुमकिन है। जी, बागपत से अगले कॉलर हैं उपेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ जी गुरु जी, नमस्कार जी। जी आदा उपेंद्र जी, बताइए क्या सेवा है। गुरु जी ये एक तो मुझे ये बताइए, मेरे पास गन्ने का सिरका है, क्या मैं इसकी हरी मिर्च जो डाल के वो ले सकता हूँ? और दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या मैं मतलब रोगन बादाम दूध में डाल के और शक्कर का दूध पी सकता हूँ या नहीं पी सकता? आपको ये बताइए शुगर है क्या? नहीं नहीं गुरु जी, मुझे शुगर नहीं है, मेरा पेट खराब है। आपने मेरी दवाई चलवाई है अलसी और जैतून नमक, उसमें आधा ग्राम डेली लेना है एक चम्मच के साथ बोला था आपने। मुझे पेट साफ नहीं होता, गैस बनती रहती है, निकलती रहती है, वो सतावर सफेद मूसली वगैरह जो मैंने खाई थी आप बताया था आपसे। तो शुरू कर दिया आपने? हाँ जी, वो एक महीना हो गया जी मुझे लेते हुए, लेकिन इसमें गुरु जी थोड़ा ऐसा हुआ कि अब थोड़ा कुछ असर कम हुआ इसका, दवाई का कुछ, पेट थोड़ा कम साफ हो रहा है अब मेरा। ठीक है ठीक है। हाँ आप दूध में रोगन बादाम ले सकते हैं, लेकिन खाने वाला अलग आता है, वो जो मालिश करने वाला है वो ना लें। खाने वाला जो रोगन बादाम शीरी यानी मीठे बादाम का तेल जो है उसे कहते हैं रोगन बादाम शीरी, वो 2 चम्मच डाल के आप ले सकते हैं। और ये आप ले सकते हैं कैस्ट्रॉल ऑयल, ये अरंडी का तेल जिसे गांवों में बोलते हैं, ये मेडिकल स्टोर पर मिलता है, या ये ले सकते हैं। इससे भी पेट की में जो होता है चिकनाई कम हो जाती है, पेट में आंतों पर चिकनाई जो होती है, एक लेमिनेशन होता है कुदरती तौर पर, जो उल्टी सीधी दवाएं खाने से वो उतर जाता है, जिससे हमारा पखाना आंतों से चिपका रहता है, ये जाके उसको नरम करते हैं और हम ठीक रह सकते हैं। गन्ने का सिरका अगर चाहें तो ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ये तो अच्छी चीज है। राजस्थान से अगले कॉलर हैं कमलेश जी, स्वागत है आपका। मेरी सर एक बेटी है करीबन 12-13 साल की, उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही। एज क्या है उनकी? 12-13 साल। ठीक है, 12-13 साल है जी। ठीक है ठीक है जी। बच्ची की अभी उम्र है ग्रोथ की, तो ये गाजर का जूस या नारियल का पानी, दोनों में से जो भी मिल जाए आसानी से, उसमें आप गौन मोरिंगा सफ़ेद 0.5 ग्राम मिला के रोज़ाना पिला दिया करिए। गौन मोरिंगा सफ़ेद ही लेना है, गाजर का जूस मिले तो गाजर का, या नारियल पानी मिले तो नारियल पानी। अभी सही वक्त पर आपने फ़ोन किया, अभी उनकी ग्रोथ की गुंजाइश बाकी है। जी मेरठ से अगले कॉलर हैं राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। नमस्कार, थोड़ा तेज आवाज में बात कीजिए, सवाल करिए। मैम सवाल ये है कि जो है घुटनों में और जोड़ों में जो है बहुत दर्द है, और इसके इसके साथ साथ जो है गॉल ब्लैडर में पथरी है। कितनी बड़ी पथरी है ये? जो है 4 NM से 7 NM तक की है, और टोटल 7 पथरियां हैं। ठीक है। हेलो। जी जी मैं समझ गया। अच्छा देखिए, गॉल ब्लैडर की पथरी अगर 2-3 mm की हो तो निकल सकती है, इससे बड़ी हो तो फिर हमें जांच करा के रखनी चाहिए। कभी भी अगर ये एक्टिव होती है तो बहुत तकलीफ देती है, तो इसका ऑपरेशन बेहतर है। कोई भी कितना भी कहे कि इसका निकलना मुमकिन है, मुमकिन नहीं होता, ऐसा मेरा अनुभव है। तो इसके लिए आप ऑपरेट करा सकते हैं, बहुत आसान इसका ऑपरेशन है, अब तो बहुत ही आसान हो गया, और इससे निजात आप ऑपरेशन के ज़रिए पाएं। किडनी में कितनी भी बड़ी पथरी हो उसका निकलना मुमकिन है, और ये जो बहुत दर्द है आपके ये जा सकता है। इसके लिए आप या तो गौन स्याह मिल जाए, एक काला गौन जो बहुत कड़वा होता है जाके में, और नकली भी बहुत मिलता है, असली हासिल कर लें, 100 ग्राम भी मिल गया तो आपका ये दर्द जा सकता है, अगर आप 0.5 ग्राम सुबह शाम खाएं। और मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले पथरी का इंतज़ाम करें, पथरी निकलनी चाहिए, ये बहुत ख़तरनाक होती है, कभी भी रात में ये दर्द उठता है और आदमी का पूरा परिवार परेशान हो जाता है, और काफ़ी पथरियाँ हैं, इसका ऑपरेशन कराना पहले बेहतर है। बात करते हैं अगले कॉलर से, यूपी से हैं विपिन, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ सर। जी विपिन जी, तेज आवाज में बात कीजिए। हाँ मैडम बोलिए, सवाल करिए।
लेटरिंग करने के बाद में दर्द होता है। दर्द होता है जी। विपिन, आपका टिफिन अगर ज़्यादा खाना रखता है तो आधा कर दीजिए। पत्नी लोग क्या ज़्यादा भर के भेज देती हैं, तो सारा खाना मत खाया करिए, आधा खा लिया करिए। उनसे कहिए कि आधा खाना खाएं। आधा खाना खाने में भी बड़ी सेहत है। मैं अपने ज़रूरत से आधा खाना खाता हूँ और इतनी एनर्जी रहती है और हजम अच्छे से होता है और पॉटी अच्छे से होती है। और ये आता है अरंडी का तेल, जिसे गाँव में अरंडी का तेल या कैस्टोल ऑयल कहते हैं इंग्लिश में, हर मेडिकल स्टोर पर मिलता है कैस्टोल ऑयल। ये 2 चम्मच रोज़ाना रात को सोते समय पीजिए और फिर गर्म पानी पी लीजिए। आप देखेंगे आपको अगले ही दिन से फ़ायदा शुरू होगा और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल हकीम साहब, जिन लोगों को मोशन पास होने में दिक्कत परेशानी आती है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी हो जाते हैं, उन्हें मोशन पास ही नहीं होते हैं, ये कारण क्या है? और अगर मोशन पास ना हो तो उससे क्या क्या तकलीफ हो सकती है? देखिए, जितनी भी बीमारियां बनती हैं वो हमारे पेट में बनती हैं। जी जी। होना ही चाहिए कि हमें खूब खुल के भूख लगे। बिल्कुल। और हम खाना खाएं तो इत्मीनान हो जाए, डकार आ जाए और वो 24 घंटे में हजम होकर मोशन बनकर पास हो जाए। जिन लोगों के मोशन आंतों में रहता है, वो आंतें उसकी गंदगी को एब्जॉर्ब करने लगती हैं और फिर हमारे जिस्म को इसकी सप्लाई मिल जाती है गंदगी की, तो हम बीमार पड़ते हैं। तो हमारे मोशन का प्रॉब्लम जैसे ही शुरू हो, हमें उसका उपचार करना चाहिए और ऐसे दस्तावर चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे कोई भी आकर बोल देता है कि त्रिफला खा लो और लोग खाना शुरू करते हैं, भोले भाले लोग। त्रिफला एक इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि आपको ज़िंदगी भर का रोगी बना देती है। याद रखें, फिर से कहता हूँ, त्रिफला एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है जो आपको ज़िंदगी भर का रोगी बना देती है। त्रिफला को पहले बादाम के तेल में या अरंडी के तेल में भूनना चाहिए, फिर उसको इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा दे सकता है। नहीं तो वक्ती तौर पर फ़ायदा करेगा लेकिन आपकी आंतों को उधेड़ कर रख देगा और फिर जीवन में आप कभी ठीक नहीं हो सकते। चलिए, इसी के साथ अगले कॉलर हैं हरियाणा से, रामानंद शर्मा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। एक दिन में दर्द रहा है जी, जब सवेरे सामने सो कर उठे सवेरे, चलो ना 10-20 मिनट एक दिन में दर्द रहता है और कभी भी 2-4 घंटे इकट्ठा बैठ जाऊँ फिर कभी कभी दर्द रहता है एडी में। और ये लाइट वाली एडी है। उम्र क्या है आपकी? उम्र तो 60 के करीब है मैडम। ठीक है जी। हाँ देखिए, ये दर्द बढ़ता जाएगा और काफ़ी दिन से होगा। मुझ तक वो मरीज पहुँचते हैं जो सालों से बीमार होते हैं और मैं भी ऐसा नुस्खा बताता हूँ कि महीनों दवा करें तो ठीक हो जाते हैं, सालों के बीमार महीनों में ठीक हो जाते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट हो जिस पर आप अपनी ज़रूरत पूरी करा करें, और इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है, बगैर दवा के भी फ़ायदा हो सकता है। और गौंदस्या मिल जाए तो आधा आधा ग्राम असली ले, नकली बहुत मिलता है। सुबह शाम 100 ग्राम भी खरीद लेंगे तो आपको रोग मुक्त करने की सलाहियत रखता है। अगर वो नहीं मिले, मिले तो असली मिले, नकली मत लेना, काफ़ी नकली मिलता है, कड़वा भी बहुत होता है। और अगर वो नहीं मिले तो कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाया करें, और अगर 1 महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो 2-3 महीने खा के छोड़ें ताकि आपको दोबारा से ये रोग ना हो पाए।